हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी, बीएलएस नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड, हमारा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन को जरूर दबाते रहे। तो डियर फ्रेंड, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बीएलएस नर्सिंग एजुकेशन पे एक अच्छा टॉपिक। अच्छे की बात करें तो यानी कि हमारे जो कंपटीशन के एग्जाम के अंदर या हमारा जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम के अंदर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए बीएमआई। भाई नाम तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि बीएमआई क्या होता है। देखो भाई, बीएमआई की अगर अपन बात करके चले तो क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। सिंपल सी भाषा में आप लोगों ने सुना होगा जरूर, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स की अगर अपन बात करके चलते होता क्या है, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी को मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि क्या होता है बॉडी का मेजरमेंट किस हिसाब से, कि जो हमारा हाइट है, क्या है भाई हमारी हाइट है, हाइट और किसके अकॉर्डिंग, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हमारा बॉडी का मेजरमेंट किया जाता है। यानी कि हाइट और बॉडी के अकॉर्डिंग हमारे किसका क्या मेजरमेंट करते है भाई, बॉडी का मेजरमेंट करते हो, और बॉडी का मेजरमेंट करते हैं यानी कि कैलकुलेशन किया जाता है, और कैलकुलेशन करने के बाद में जो निकल के आते वैल्यू निकल के आती है वो हमारा क्या कहलाता है, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। बॉडी मास इंडेक्स किस लिए चेक किया जाता है, इससे हमारे शरीर में ये पता लगाने के लिए कि हमारे शरीर में मसल्स कितनी है, फैट कितनी है। भाई अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करके चलूं कि जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई, अपने पास में क्या है, 1 किलो क्या है कॉटन है, क्या है भाई 1 किलो अपने पास में कॉटन है, और हमारे पास में 1 किलो क्या है पत्थर है, स्टोन है। दोनों का वजन तो सेम है ना, लेकिन जो स्टोन होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, कॉटन कैसी होती है हमारे बिल्कुल सॉफ्ट होती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, फैट जमी हुई होती है, चर्बी जमी हुई होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो डियर फ्रेंड, डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, कि बीएमआई की डेफिनेशन क्या होगी। देखो बॉडी मास इंडेक्स किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि बीएमआई क्या है, बीएमआई की अगर बात करके चले तो बीएमआई इज ए क्या है भाई अपना, बीएमआई इज ए मेजरमेंट, क्या है अपना, मेजरमेंट का मतलब होता है नाप होता है एक तरह से, बीएमआई अपना एक तरह से क्या है, मेजरमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ आवर हाइट एंड वेट। यानी कि एक सीधी सी बात तो अपने को पता चल गई कि एक प्रकार का क्या है नाप, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या मेजरमेंट किया जाता है, कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग क्या निकाला जाता है हमारे शरीर का, बीएमआई निकाला जाता है, इनको कैलकुलेटर करके निकल के। तो ये क्या अपनी परिभाषा बन गई, बीएमआई इज ए मेजरमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ आवर हाइट एंड वेट, यानी कि हमारे शरीर की लंबाई और हमारे शरीर के वजन के अनुसार। तो देखो भाई, वजन के अनुसार कैसे निकल, भाई मैंने क्या बोला, या आदमी होता है, आदमी क्या जो शरीर होता है कहीं से बना होता, मसल्स होती है हमारे शरीर में, फैट होती है, यानी कि जिस आदमी के अंदर मसल्स अच्छे हैं वजन ज्यादा होगा, किसी के अंदर फैट जमी हुई, दिखने में तो बिल्कुल कैसा दिखेगा, बहुत मोटा दिखेगा, गोलगप्पे की तरह दिखेगा, पतासे की तरह दिखेगा, लेकिन उसका वजन क्या रहेगा, कम रहेगा, यस या नो। तो देखो भाई, इसको निकालने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, बीएमआई को निकाला किस प्रकार से जाता है, और इससे क्यों निकालना जरूरी है। अरे भाई, इससे निकालना ये जरूरी है कि आदमी का वजन क्या सही है, क्या उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, सॉरी अपने उसके हाइट के अकॉर्डिंग क्या उसका वजन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या वो अंडरवेट में तो नहीं है, क्या वो ओवरवेट में तो नहीं है, क्या वो मोटापे में तो नहीं है, सही है या नहीं, उसको नापने के लिए। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, देखो बेसल में जो बॉडी मास इंडेक्स किसमें ना जाता है, वेट को किसमें नापा जाता है, वेट जैसे अपना हो गया किसमें हो गया, वेट केजी में हो गया, और हाइट किसमें हो गई भाई, हाइट जो नापी जाती है वो किसमें नापी जाती है, हाइट मीटर स्क्वायर में। चलो इसको मैं एक बार साइड में रख देता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी इंडेक्स बता के चलता हूँ कि
जो इंडेक्स की वैल्यू होती है क्या है, क्या क्या वैल्यू होती है बॉडी मास इंडेक्स को नापने से पहले। फॉर्मूला देखो, ये अपना फॉर्मूला में एक बार इधर लिख देता हूँ। बीएमआई का फॉर्मूला क्या है भाई, अपना वेट को किसमें नाप रहे हैं, वेट को किसमें नाप रहे, केजी में नाप रहे, और हाइट को किसमें नाप रहे, हाइट को किसमें नाप रहे, यानी कि जो मीटर स्क्वायर आएगा। जैसे किसी आदमी की हाइट 5 फीट की है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके मीटर और पॉइंट सेंटीमीटर में बदल करके क्या कर दो, मीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर लग जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो देखो भाई, जैसे मैं बात करके चलता हूँ, किसी आदमी का वजन क्या है, किसी आदमी का वजन, चलो एक बार मैं पहले इंडेक्स बता देता हूँ कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो देखो भाई, नॉर्मल वैल्यू हमें बता के चलना है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, यानी कि अपनी बॉडी मास इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू की अगर अपन बात करके चले कि कितना बीएमआई होनी चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल की अगर अपन बात करके चले, एक तरफ मैं लिख देता हूँ पैरामीटर, एक तरफ लिख देता हूँ वैल्यू। ये वैल्यू मैंने इधर लिख दिया ना, इधर मैंने लिख दिया पैरामीटर या कंटेंट लिख दिया, घटक लिख दिए, इधर मैंने लिख दी है वैल्यू कि कितनी वैल्यू होगी तो उसको किसके अंदर रखा जाएगा। नॉर्मल की अगर अपन बात करके चलते हैं, यदि किसी के अंदर मैंने हाइट और वेट को कैलकुलेट करने के बाद में उसकी बीएमआई निकल के आ रही है, कितनी निकल के आ रही है बीएमआई, अगर उसकी निकल के आ रही है भाई कितनी निकल के आ रही है, 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में यदि किसी का बीएमआई का मान निकल के आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू निकल के आ रही है, तो वो आदमी क्या है, यानी कि उसका वजन बिल्कुल उसके किसके अनुसार, उसके हाइट और वेट के अनुसार बिल्कुल कैसा है, एकदम सही है। तो यदि 18.5 से लेकर के और 24.9 तक है, इसका मतलब क्या है, ये कैसी वैल्यू कहलाई भाई, हमारी नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। बोले सर, यदि किसी के अंदर यदि 18.5 से कम वैल्यू आती है वो क्या कहलाते हैं भाई, तो वो अपना जो कहलाता है, यदि किसी की बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम निकल के आता है वो हमारा कहलाता है अंडरवेट। अंडरवेट का मतलब क्या होता है कि जिसका वजन क्या है, जिसका वजन ये कहलाता है कि सब उसका वजन हाइट और उसके वेट, यानी कि उसकी हाइट के अनुसार उसका वजन क्या है, कम है, तो वो अपना किसके अंदर आएगा। अरे भाई ये भी तो होना चाहिए, एक आदमी बिल्कुल 5 फीट का है लेकिन उसका वजन 40 किलो ही है, क्या वो ओवरवेट है, क्या वो सही है, नहीं, वो किसके अंदर आएगा भाई, वो आएगा उसके किसके अंदर, अंडरवेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कम वजन वाला। यह हमने दूसरा पैरामीटर देख लिया। तीसरा पैरामीटर फिर अपन बात करके चलते कि सर यदि किसी के अंदर यदि जो बॉडी मास की इंडेक्स यानी कि बीएमआई की जो वैल्यू हो जाती है यदि वो कितनी हो जाए 25 से लेकर के, कितनी हो जाए भाई 25 से लेकर के 23.9 के बीच में अगर आती है, ऐसा आदमी क्या कहलाता है। ये वाला तो नॉर्मल कहला दिया, अब अंडरवेट कहला। अरे भाई डायरेक्टली अगर किसी, क्या हर आदमी को अपन मोटा बोल सकते कि नहीं, ओबेसिटी अलग हो सकती है और ओवरवेट अलग होता है। यदि किसी का हमने मान निकाला, हाइट के अनुसार वेट निकाला, यदि बीएमआई उसकी 25 से लेकर के जो 29.9 के बीच में आ रही है तो वो अपना क्या कहलाएगा, ओवरवेट वाला आदमी कहलाएगा। अरे ओवरवेट का मतलब क्या होता है कि जिसका वजन क्या है, उसकी हाइट के अनुसार क्या है, उसका वजन ज्यादा आ रहा है, तो वो अपना क्या कहलाता है, ओवरवेट कहलाता है, यस या नो। अब अगर अपन बात करके चलते हैं, हमने नॉर्मल वैल्यू देख ली, अंडरवेट देख लिया, ओवरवेट देख लिया, अब बात करके चलते कि सर मोटापा किसको बोला जाता है, यदि किसी का क्या कहलाए भाई, यदि किसी का बीएमआई निकल के 30 से लेकर के कितने के बीच में आ जाए, अपनी 30 से लेकर के 34.9 के बीच में आ जाए, ऐसा आदमी कहलाता है ओबेज फर्स्ट, यानी कि ओबेज फर्स्ट यानी कि मोटापे की शुरुआत तो हो गई है लेकिन इतना मोटा भी नहीं है, ओबेज फर्स्ट की गिनती में गिना जाएगा। यदि बीएमआई की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 30 से लेकर के 34.9 के बीच में आती है, तो वो क्या कहलाता है, ओबेज फर्स्ट कहलाता है। सर उसके बाद में फिर बता दो, यदि किसी की बीएमआई की वैल्यू 35 से लेकर के 39.9 के बीच में आ रही है, वो क्या कहलाता है,
वो हमारा ओबेज सेकेंड यानी कि मोटापे की सेकेंड कैटेगरी में आता है क्या? फर्स्ट में तो कौन सा आया, 30 से लेकर के 34.9 वाला, ओबेज सेकेंड के अंदर आया 35 से लेकर के 39.9। और सर इसके बाद में फिर आ जाता है अपना ओबेज थर्ड यानी कि अब तो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया, यानी कि मोटापे की सीमा को भी पार कर गया, बहुत ज्यादा वजन है। क्या है उसका हाइट के अनुसार, भाई हाइट तो बिल्कुल कम है और वजन बहुत ज्यादा है, क्या ज्यादा वजन होना भी नुकसानदायक? अरे अपन को पता है यदि किसी का यदि वजन कम होता है तो अपना माल न्यूट्रिशन हो गया, उसकी इम्यूनिटी कम वाली कंडीशन देखी जाती है, वजन ज्यादा है तो जैसे अपने हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, या फिर अगर देखा जाए ओबेसिटी भी कई बीमारियों का रूप ले लेती है क्या? तो यदि किसी की बीएमआई मोर देन 40 यानी कि सर 40 से ज्यादा आ रही है वो हमारा क्या कहलाता है? ओबेस फर्स्ट। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये वाली कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो गई, खतरनाक हो गई है। बोलो एक बार मैं फिर आपसे रिवाइज करवा देता हूँ, भाई अपनी बीएमआई नॉर्मल कितनी होती है, 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में अगर किसी की बीएमआई आ रही है तो वो अपना क्या कहलाता है? नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। अंडरवेट के अंदर अगर बात करके चले, यदि किसी की बीएमआई कितनी आए, 18.5 से कम आए, वो हमारा क्या कहलाता है? अंडरवेट कहलाता है, कम वजन वाला कहलाता है। ओवरवेट सर इसको मोटापा नहीं कर सकते, ओवरवेट वजन ज्यादा है यानी कि किसके अकॉर्डिंग? हाइट के अनुसार यानी उसकी लंबाई के अनुसार उसका वजन क्या है? ज्यादा है। और यानी कि ओबेज फर्स्ट, ओबेज थर्ड और ओबेज सेकंड। अब इसको निकालते कैसे है एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। इधर देखो भाई, जैसे मान के चलते हैं कि किसी आदमी का वजन क्या है, यदि मुझे किसी की बीएमआई निकाले, देखो भाई वजन अगर की बात करके चलते, जैसे मेरे पास में क्या था, बीएमआई मुझे निकालनी, एक आदमी है जिसका वजन है 63 किलो, कितना किलो है? 63 केजी है, और उसकी जो हाइट थी वो थी 5 फीट 6 इंच की बात करके चले, 5 फीट 6 इंच तो लगभग अगर जोड़े तो 1.67 यानी कि 1 मीटर और 67 सेंटीमीटर हो गया क्या? तो हाइट कितनी थी उसकी? हाइट थी 1.67 सेंटीमीटर, है ना? तो 1 मीटर और 67 सेंटीमीटर, तो अपना फॉर्मूला क्या बोलता है? तो देखो वजन कितना है, 63 किलो है, हाइट कितनी है, 1.67 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना है, वजन को कहां पे लिखेंगे? ऊपर। भाई देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वजन को कहां लिखा जाएगा? ऊपर लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? किलो में लिखा जाएगा। और हाइट को किस में लिखा जाएगा? तो हाइट कितनी थी? 1.67 को किससे गुना कर देंगे यानी कि स्क्वायर लगेगा, जब स्क्वायर को खोलेंगे तो इनटू 2 हो जाएगा क्या भाई? 2 हो जाएगा, यानी कि अगर इसको गुना करके चलते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? देखो मल्टीप्लाई करके चलते हैं तो अपना कितना हो जाएगा, अपना इसको गुना करते हैं तो 3.34 के आसपास। तो 63 को यानी कि 1.67 को अगर हमने 2 से गुणा किया मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आया भाई अपना? 3.34 अपना क्या आ गया, यानी कि अपनी वजन तो वेट तो कितना आया अपना 63 किलो, हाइट को मीटर स्क्वायर में बदला तो कितना 3 मीटर और 34। अब इसका भाग इसमें दोगे, जब इसका भाग 3.63 में देके देखना भाई तो कितना होगा, अगर इसमें देते हैं तो लगभग देखो इसका भाग देते 36 18 तो लगभग कितना आ जाएगा 88 87 के आसपास, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी अगर इसका भाग देते हैं 18.86 के आसपास आती है। तो ये बताओ डियर फ्रेंड क्या ये वैल्यू किसके अंदर, देखो अब मान देखो कितना 18.6 किसके अंदर आ रही है, मतलब इस आदमी का वजन क्या है, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल एकदम से सही है। क्या ऐसा आदमी अपना क्या कहला रहा है? नॉर्मल वैल्यू आ गई, यस या नो? चलो मैं दूसरा एक एग्जाम्पल और दे लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल किस प्रकार से है भाइयों अपना, तो देखो यदि किसी आदमी का वजन क्या है, मैं मान के चलता हूं वजन दे दिया आपने को 50 किलो। भाई एग्जामिनर बड़े खतरनाक, यहां से भी क्वेश्चन, यहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है बंधु और बांधो, क्योंकि एग्जामिनर बड़े खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल। देखो भाई ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते जो हमारे कंपटीशन के अंदर नंबर बढ़ाने के लिए, जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उनके अंदर नंबर बढ़ाने के लिए हमारे
लिए हेल्पफुल रहता है। यदि मैं किसी आदमी के क्या बात करके चलता हूं कि वजन है उसका कितना है 50 किलो है और उसकी जो हाइट है 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो देखो भाई इसको फिर मैं गुणा करता हूं, यानी कि 1.60 को फिर मैं क्या करता हूं मीटर स्क्वायर करता हूं, तो लगभग कितना आ जाएगा अपना 3.2 के आसपास आ जाएगा क्या? अरे भाई 3.2 के पास 6 × 6 = 12 बच गया 2 × 1 = 3, तो अपना 50 इंटू कितना आ गया, 50 इंटू आ गया भाई अपना 3. कितना आ गया, 50 के बाद में 3.2 के आसपास आ गया। अब फिर मैं 3.2 को 50 यानी कि हाइट का मीटर स्क्वायर में बदलने के बाद में किलो में भाग देता हूँ, वजन में भाग देता हूँ, तो ये अपना कितना आएगा भाई 3×5 = 15 × 45 कितना आएगा 3×1 = 3, तो लगभग इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी 15.62 के आसपास हमारा आंसर। ये बताओ मुझे ये आदमी किसके अंदर आ गया भाई 15.62, अरे गिनो भाई इसका मतलब क्या है 18 से कम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया ऐसा जो आदमी है ये हमारा किसके अंदर आ रहा है अंडरवेट के अंदर आ रहा है। तो हमें इस प्रकार से क्या निकालनी है भाई वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि बीएमआई को कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक छोटा सा टॉपिक था हमारा बीएमआई का कैलकुलेशन, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड्स।